नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस समय कई फिल्मों को लेकर काफ़ी चर्चा में है। इस समय लॉकडाउन के चलते लगभग सभी सितारे घर पर आराम कर रहे हैं और ऐसे में आलिया भट्ट भी जो है अक्सर हाँ दिखाई दे जाती हैं हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी कुछ पोस्ट शेयर करते हुए। संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म गंगूबाई काठियाड़वाड़ी के लिए मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में एक भव्य सेट तैयार करवाया था और अभी वो शूटिंग शुरू करने ही जा रहे थे कि तभी कोरोना वायरस के कारण सभी शूटिंगें जो है कैंसिल कर दी गई। अब संजय लीला भंसाली का जो एक गैंगस्टर ड्रामा है गंगूबाई काठियाड़वाड़ी, इसके लिए जो बना था सेट, ये सेट जो था ये 1950-60 के जो दशक का जो कमाठीपुरा है उसको रिक्रिएट किया गया था। लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है कि अब ये सेट जल्द ही टूटने वाला है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार आलिया भट्ट के लिए तैयार किए गए करीब करीब 6 करोड़ रुपए के इस सेट को बिना शूट के ख़त्म किए ही तोड़ा जा सकता है। जानकारी के अनुसार मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए जल्द हालात सामान्य होने की कोई गुंजाइश कम ही मालूम पड़ती है। महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में मानसून मई जून के महीने से सक्रिय हो जाता है, ऐसे में शूटिंग करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा और सेट को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में आमतौर पर इतने बड़े सेट खड़े नहीं छोड़े जाते हैं मुंबई में। भंसाली के फिल्मों के सेट हमेशा ही अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं, ये उनकी फिल्म का बहुत मजबूत पक्ष होता है और इस वजह से वो इन सेट्स के निर्माण में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। आलिया और भंसाली उम्मीद कर रहे थे कि कुछ समय बाद मौजूदा कोरोना वायरस संकट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह के लॉकडाउन महीनों में बदल गए, अब महीनों के मेरे ख्याल से जो है सालों में बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो है बॉलीवुड फिल्म मेकर्स आगामी महीनों में शूटिंग करने में सक्षम होंगे, इसका तो कोई भी जो है चांस नहीं लगता। अब चीज़ क्या है कि ये सेट टूटेगा, लेकिन क्या इसके साथ जो है इसके आगे की शूटिंग के सपने भी टूटेंगे या ये सेट दोबारा बनाया जाएगा 6 करोड़ का, VFX लगा करके आगे की शूटिंग की जाएगी, हमें जैसे ही पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है कहानी हम आपको ज़रूर बताएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।